नमस्कार, आपका स्वागत है डीएस के टॉक्स के इस नई वीडियो में। ये जो एपिसोड आपने देखा बिग बॉस का, इस एपिसोड को बगैर गाली दिए या बगैर अपना खून जलाए रिव्यू करना बड़ी मुश्किल एक टास्क होगी। टास्क, ओ माय गॉड, ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब बिग बॉस 13 में अब तक घर वालों को समझ में आया नहीं है कि टास्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कहीं ना कहीं इसके लिए होस्ट तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पिछले 2-3 वीक में जो टास्क रद्द हुई, होस्ट ने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, और बोलेंगे भी क्यों, क्योंकि बिग बॉस ने खुद ने टास्क को मजाक से ज्यादा तो कोई औकात या वैल्यू दी नहीं है। एंड अगर आपको याद हो तो कल के ही रिव्यू में मैंने एक बात कही थी कि कोई गारंटी नहीं है बिग बॉस की, एक वीक में 2-2 बार नॉमिनेशन टास्क करते हैं, फिर उसी वीक में उस नॉमिनेशन से बचने की टास्क करते हैं। तो कल आरती और असीम हुए थे सेफ, ठीक है, उनकी खुशी 24 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुई बिग बॉस से कि दोनों को फिर से एक टास्क में खड़ा कर दिया कि इनकी जगह किसी और को सेव करेंगे। जब तुमको किसी और को ही करना है तो भाई टास्क करते क्यों होते। इट्स लाइक यू नो, जैसे कि मैं हमेशा इस सीजन में बोल रहा हूँ, खटारा स्पेशल। ये एपिसोड साबित कर रहा है मेरी प्रेडिक्शंस ऑब्जर्वेशंस को कि निहायत ही खटारा सीजन होने वाला है। आप कंटेस्टेंट को ट्विस्ट दो, टेढ़े ट्विस्ट दो, लेकिन आप ऑडियंस को ऐसे चूतिया पे क्यों दिखा रहे हो ट्विस्ट के नाम पर। हाँ, ये हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आज आपने ये जो टास्क के नाम पर रायता फैलाया है, इसको समेटने में आई थिंक दिवाली वीक है, वीकेंड के बारे में सलमान खान दिवाली मूड में होंगे, तो ये टॉपिक, ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो फाइट हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लोग मार रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, लड़का लड़की गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ये तमाम बातें 1-2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, दिवाली मूड आ जाएगा, ये सारी बातें भूली बिसरी यादें बनकर कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होके रह जाएंगे, जैसे एक जमाने में मोहनजोदाड़ो या फिर डायनासोर, कोई इनके बारे में बात नहीं करता। तो ये जो टास्क हो रही है, इनके बारे में भी कोई बात नहीं करेगा, तो इसके बारे में बड़ा इत्मीनान से तसल्ली से बात करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्ट हुई, एक बड़ा अच्छा चीज मुझे देखने को मिला, शायद मेकर्स तक मेरी बात पहुंच गई। ये जो आरती सवेरे मिकी माउस के एंटीने लगा के डांस करती थी, थर्ड क्लास, इस एपिसोड में वो एंटीने दिखाई नहीं दिए। तो ये डांस वांस और कल की टास्क के आफ्टर इफेक्ट्स, किसको बचाना था किसको नहीं बचाना था, ये तमाम पचड़ापंती स्किप करते हैं, ये बकवासपंती है, वो लिपस्टिक लगाना लिपस्टिक छुड़ाना बिस्तर पर मस्ती वस्ती, आई हेट दीज थिंग्स, इनके बारे में क्या बोलूं। डायरेक्ट टास्क पर आते हैं, ये टास्क सांप सीढ़ी वाली, ये तो कहना होगा कि ये लोग क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आइडियाज लेकर आ रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि एग्जीक्यूट इस आइडिया को कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस का जो हिस्सा है उसको बिग बॉस चूतिया समझता है, ठीक है, और ये बात इस सीजन में बिग बॉस भर भर के प्रूफ कर रहा है। पब्लिक की वोटिंग को चूतिया पास समझ रहा है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्या दिखाना चाहते हैं, पब्लिक तो यही देखना चाहती तो हम यही दिखाएंगे, मतलब आप जबरदस्ती वो चीजें ठूंसना चाहते हो हमारे दिमाग में जो कि हम कतई देखना नहीं चाहते। बहुत बढ़िया ये टास्क हो सकती थी, बहुत ब्रिलियंट तरीके से ये टास्क हो सकती थी, बिग बॉस ने बीच में रोका नहीं, इंटरफेयर नहीं किया, और पीछे के बीच में फीडबैक मिला ही नहीं है कि टास्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहां पर असीम और आरती को बना दिया संचालक, भाई इससे बड़ा जोक तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा जोक तो कोई हो ही नहीं सकता, जिस बंदी को टास्क ही समझने में सदियां लग जाती हैं उसको आपने संचालक बना दिया। इस पूरी टास्क के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने पिछले वीक की मैं एक बात करना चाहूंगा, वो टॉय फैक्ट्री वाली जहां वो उनको टॉयस वगैरह सिलेक्शन क्वालिटी चेक करना था, सिद्धार्थ शुक्ला ने वहां पर एक बात कही थी कि आप क्या चाहते हो, मैं फेयर खेलूं या बायस्ड हो जाऊं, जहां पर कि पारस छाबड़ा ने अनफेयर खेल के सिद्धार्थ शुक्ला को उसी ट्रैक पर ले आया था। इस एपिसोड में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने वही तरीके से स्टार्ट किया कि देखो भाई कैसे करना, अगर मेरा डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर मैं किसी का नहीं छोड़ूंगा, ये जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या वॉन्टेड पिक्चर देखी है सलमान खान की, एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर लिया उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुनता, तो किसके बाप की तो क्या सुनूंगा। हालांकि ये डायलॉग सलमान खान ने बोला था, लेकिन बिग बॉस में सलमान खान ये डायलॉग भूल चुके हैं। आजकल तो क्या है कि एक बार जो कमिटमेंट करता हूं अगले दिन में खुद ही भूल जाता हूं कि कल क्या कमिटमेंट लिया था। एनीवे, जब सिद्धार्थ शुक्ला माइक बदलकर आया था, ये सीढ़ी बिगाड़ने का खेल पारस छाबड़ा ने स्टार्ट किया था, ठीक है, आग पारस छाबड़ा ही लगाता है, पिछली टॉय फैक्ट्री वाले टास्क में भी उसी ने अनफेयर क्वालिटी चेक किया था, एंड यहां पर भी उसी ने आग पहले लगाई, और एक बार सिद्धार्थ शुक्ला वो सुतली बम या रॉकेट कहो कि इसमें आपने चिंगारी लगा दी,
उसके बाद तो भाई इसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और क्या हुआ उसके बाद तो रायता फैल गया। आपको सीढ़ियां मिटानी थी, वो मिट्टी हटानी थी, आपने तो प्रॉपर्टी डैमेज करने के मतलब एक कंपटीशन शुरू कर दी बे आओ। और बिग बॉस आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र गांधारी इतना सन्नाटा क्यों है भाई। बिग बॉस ने कसम खा रखी थी कि जब तक तो कोई मर नहीं जाएगा मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मतलब अखंड लेवल का चूतियापा चल रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसका गुस्सा उसके काबू में नहीं है। जिस तरह लड़कियां यहां पर, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, मेल वर्सेस फीमेल, बिग बॉस के अंदर अगर आप हो तो आप एक कंटेस्टेंट हो, ठीक है। और जब आप हारने लगते हो तो फिर ये लड़की कार्ड खेलना नहीं चाहिए। हालांकि इस एपिसोड में जो घटनाएं घटी हैं इसके ऊपर कई सारे डिबेट्स होंगी। कई लोग लड़कियों को सही मानेंगे, कई लोग सिद्धार्थ शुक्ला को भी सही मानेंगे, कई लोग उसको वन मैन आर्मी भी बोलेंगे, तो कई लोग बोलेंगे कि वो लड़कियों से क्यों झगड़ता है। तो भैया ये बिग बॉस है, यहाँ पर हाथ जोड़कर तो कोई नहीं खड़ा रहेगा कि देवी जी आ जाओ मिटा दो हमारी सीढ़ी, हम तो यहाँ पर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, वोट हमको ही दीजिएगा, मगर वोट गया आपको घंटा कोई नहीं देगा। सो यहाँ पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ डे का भी जिक्र करना बहुत लाजमी है। बहु गैंग में ये दो पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ डे नाम की लड़कियां भी हैं। एपिसोड में रायता फैल रहा है, ये दोनों अंदर हाथों में मेहंदी लगा के नौ नौ चूड़ियां पहन के थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां डांडिया फांडिया अंदर बैठ के कर रहे हैं। पारस छाबड़ा तो इतना बड़ा फट्टू है, जब देख लिया कि भैया सिद्धार्थ शुक्ला के अंदर का शेर जग गया है, अब वो चारों तरफ आदमखोर बन चुका है, वो तूफान लाएगा, वो भाग गया अंदर, चश्मे लगा के बोलता है क्या भाई मेरा चेहरा वेरा तोड़ दिया तो करियर खत्म। अबे तेरा करियर तो वैसे भी खत्म हो चुका है, चूतिया है तू, मीडिया को गाली दे रहा है, तू पब्लिक को गाली दे रहा है, तू सलमान के बारे में उल्टा सीधा उन्हीं के शो में बोल रहा है, तो तेरा करियर तो वैसे भी नहीं बचा। तू मायरा के पीछे इसीलिए था ताकि एकता कपूर ग्रुप में तेरी एंट्री हो जाए, अब तो तेरा भगवान ही मालिक है, क्योंकि मायरा खुद कौन सी बहुत बड़ी 30 मार का एक्ट्रेस है, एक दो सीरियल किए हो तो किए हो, और घमंड तो भाई पूछो मत बे। इस तमाम गुत्थम गुत्थे के बीच में एक ही बंदा था जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट था, और वो था असीम रियाज। बंदे ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की सिद्धार्थ शुक्ला को, सिद्धार्थ शुक्ला को काम डाउन करने की कोशिश आरती को भी करनी थी, आरती ने की भी, लेकिन आरती को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। आसिम ने बहुत बढ़िया तरीके से एक सेंसिबिलिटी, एक मैच्योरिटी दिखाई। बंदा धीरे धीरे स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं अपना कद, अपनी जमीन बिग बॉस के अंदर बढ़ाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और इस एपिसोड में उसने बहुत बढ़िया मैच्योरिटी का परिचय दिया। जब टास्क स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा डिसअपॉइंट भी था, वो मायूस भी था कि यार, और उसने तो बोल दिया कि कल की टास्क इतनी यूजलेस साबित हो गई। तो आसिम की कहीं ना कहीं फीलिंग धीरे धीरे मैं उसे रिलेट कर पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ कि यार हर वीक ही लोग दो दो बार नॉमिनेशन टास्क कराते, तो वही चीज आज आसिम ने बोल दी कि जब आपको ये करना था तो कल वाली टास्क करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये चूतियापा घर वाले भी धीरे धीरे समझने लग गए हैं। इसी दौरान तमाम तरह के गुत्थम गुत्थे, तमाम तरह की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। डेबोलिना जो डेविल बन चुकी है, उसका शहनाज से काफी मचमच भी हुआ। जेस्चर तो हमें कैमरा एंगल से ऐसा दिखा था कि थप्पड़ मारा, लेकिन वो कीचड़ शायद उड़ के गया था जब उसने ऐसा मारा था। वहीं मायरा और सिद्धार्थ का भी आपने देखा, शुक्ला जी का डे तो हाथ में मेहंदी लगा के चूड़ियां खेल रहे थे ना, डे तो पिक्चर में थी नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले मायरा को पुश किया या मायरा ने सिद्धार्थ शुक्ला को पुश किया, मुझे तो पहली नजर में फर्स्ट रिएक्शन में यही लगता है कि मायरा शायद फिसल गई थी, मिट्टी थी, इस वजह से उसका पुश लगा है पहले सिद्धार्थ शुक्ला को, ऐसा देखने में लगा है। लेकिन ये तो कल हम जब रिपीट में देखेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे, तो क्लिप सबके साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे कि किसका टच पहले किसको लगा। अब जैसे कि मैंने कहा, इस मैटर पर डिबेट काफी हो सकती है, कई लोग शुक्ला को सही बोलेंगे, कई लोग शुक्ला को गलत बोलेंगे, लेकिन जब आप बिग बॉस के अंदर हो तो ये लड़की और ये लड़के वाला एंगल मेरी समझ से परे। मैं इसके खिलाफ पता नहीं कितने सीजन से बोलता रहता हूं, आप अगर हो, आप अगर जंग के मैदान में कूदे हो ना भैया, तो फिर ये बहानाबाजी मत करा करो कि लड़की पे चढ़ रहा है, लड़की पे चढ़ रहा है। लड़की को अगर लड़का थप्पड़ मार दे तो वो नामर्द कहलाता है, ठीक है, और अगर लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे तो भी गलती लड़के की ही मानी जाती है कि लड़के ने ही गलती की होगी। मतलब हमारे समाज में एक स्टैंडर्ड सेट है कि लड़का ही हमेशा गलत होता है, ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। एंड यही बात बिग बॉस में होती है, आप पहले के सीजन में भी देख चुके हैं, लड़की चिल्लाए आपके कैरेक्टर पर जाए तब तक ओके, लड़का कुछ बोल देता है तो फिर उसकी आप क्लास लगा दी जाती है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला सही है, सिद्धार्थ शुक्ला निहायत ही घटिया और गलत गया इस एपिसोड के अंदर, लेकिन जब आपने वीक वन से ही फीडबैक नहीं दिया है तो फिर तो ये तो होना ही था। आप टेढ़ा 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 सुपरफास्ट टेढ़ा ट्विस्ट आपने अखंड चूतिया पे किए वीकेंड के बारे में, फुग्गा फोड़ा फोड़ी वो शावर और ये दुनिया भर का चुगली और वो कटघरा, इसके बजाय अगर प्रॉपर फीडबैक दिया होता, टास्क की इंपॉर्टेंस दी जाती या फिर ये बताया जाता कि घर वाले कैसे दिख रहे हो टीवी के ऊपर, तो शायद घर वाले समझते कि नहीं हाँ ये सही बात है यार, हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हम बाहर कैसे दिख रहे होंगे। लेकिन आप कभी मेकर्स ने सलमान ने खुद इन चीजों को इग्नोर किया, तो फिर आप चिंगारी जब लगाते हो तो फिर आग बहुत बड़ी लगती है, और जब आग हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको बुझाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो ये टास्क तो रद्द होना ही है बिग बॉस सीजन 13 में, हर वीक में टास्क होती है, टास्क रद्द होती है, ये वीक स्टार्ट ही ऐसे मोड पे हुआ जहां पर कि टास्क रद्द होने वाली है। अखंड लेवल का चूतिया बात, इस घर में जिस कदर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कीचड़ मिट्टी और गाली गलौज तो बोला ही किया जाए। एक पक्ष को शुक्ला की बातें गलत लगती हैं, वहीं चूतियापा और कई तरह की गालियां पारस छाबड़ा नहीं थी, जो कि मैं यहां बोलने वाला था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं किसी वजह से। तो पारस की गलतियों पर, पारस की गालियों पर, पारस ने पहले स्टार्ट किया उस पर कोई नहीं बोल रहा, बहु गैंग में कोई भी नहीं बोल रहा है। लेकिन अगेन या अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं शुक्ला को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग बोलेंगे तुम शुक्ला के तो खिलाफ बोल नहीं रहे हो, बहु गैंग के खिलाफ बोल रहे हो। शुरुआत बहु गैंग की तरफ से ही हुई थी, पहली पहली गोली उनने ही चलाई थी ना, अब पहली गोली चलाई है तो फिर अंजाम तो भुगतो, और यही बात शहनाज गिल ने भी कही थी। तो इस एपिसोड में अगर हम कहें असीम डिसेंट बंदा, उसको साइड में कर देते हैं, वो इस पंगे में पचड़े में था नहीं, उसने बहुत कोशिश की समझाने की। शहनाज एंड शुक्ला वर्सेस एंटायर बहु गैंग, बहु गैंग में दो फीमेल्स और जोड़ लीजिए जो हाथों में मेहंदी लगा के बैठी थी, तो दो वर्सेस बाकी सबकी लड़ाई थी, और भरपूर भरपूर इरिटेट किया, जंगलीपना वाहियात बकवास घटियापंती की सारी हदें पार हुई हैं। एंड जब तमाम तरह की तोड़फोड़ दुनिया भर का टचम टच्ची हो रही है, फिजिकल हो रहे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद बिग बॉस सुबह हो गई क्या, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, टास्क हम रद्द करते हैं कल करेंगे, क्या है कि लूज मोशन लग गए थे और सेट पर पानी नहीं था तो जंगल में गए थे, तब तक बिग बॉस ने ये चलता रहा, यहाँ पर बाहर बिग बॉस हग रहा था, अंदर कंटेस्टेंट हग रहे थे, तो आप समझ जाइए ये है बॉटम लाइन इस एपिसोड की। खैर आप बताइएगा आपके ओपिनियन फर्स्ट रिएक्शन में, आपको कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है। मैं अगर अपना कहूं तो दोनों ही पार्टीज गलत है, सबसे बड़ी गलती बिग बॉस की खुद की है, इसके इससे ज्यादा और मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बाकी माहिरा जिस तरह बात का बतंगड़ बना रही है और जिस तरह पूरा बहु गैंग चढ़ पड़ रहा है कि उसने पहले किया, उसने उसको पुश किया, ये तो जब मैं रिपीट में देखूंगा या स्लो मोशन में देखूंगा किसने किसको पहले टच किया टच नहीं किया, उसके बाद ही बोला जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत जबरदस्त फीडबैक की आवश्यकता है, अगर उसे फीडबैक नहीं मिला तो क्या पता कल को शायद हम बिग बॉस में जबरदस्त हाथापाई होते हुए देखें, वो किसी का सर फोड़ दे या मार दे, ऐसा हो भी सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समय रहते सही फीडबैक नहीं दिए गए। आप कमेंट करके आपके ओपिनियन बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।